जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ डायरिया प्रभावित वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार का निरीक्षण किया। डॉक्टर बंजारे ने पीड़ित परिवारों के लोगों से चर्चा कर खान पान और पेयजल को लेकर विभिन्न जानकारियां दी। वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सी पार के डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण मंगलवार को जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने अपनी टीम के साथ किया। डॉक्टर बंजारे मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ डायरिया प्रभावित प्रत्येक घरों में पहुँचे और घर के लोगों से उनका कुशल क्षेम पूछा, साथ ही उनके खान पान और पेयजल को लेकर जानकारियाँ ली। जिला मलेरिया अधिकारी ने लोगों से स्वच्छ जल का सेवन करने की अपील करते हुए दवाएं भी बांटी, साथ ही खान पान को लेकर विभिन्न जानकारियां भी दी। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से डायरिया की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारियां ली और उन्हें डायरिया की रोकथाम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सीबीएस बंजारे को क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में डायरिया कंट्रोल में है, उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में कमी आई है। साथ ही बताया कि डायरिया की रोकथाम को लेकर यहाँ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे से ग्रैंड एशियन न्यूज़ की टीम ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार में पिछले आज तीसरा दिन है, डायरिया फैला हुआ है। यहाँ काफ़ी लोग प्रभावित है इससे, चूंकि कई मरीज जो है लाल बहादुर अस्पताल में एडमिट हुए, हालांकि कुछ डिस्चार्ज किए गए। इसी तरह सेक्टर 9 भी आज पूरे वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी अधिकारी डॉक्टर पीबीएस बंजारे जी है, किस तरह की तैयारियाँ इसकी रोकथाम के लिए, आइए डॉक्टर बंजारे जी से ही चर्चा करें। सर, जैसे क्योंकि आपके द्वारा यहाँ भ्रमण किया जा रहा है लगातार वार्ड 42 में, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि ज़्यादातर मरीज तो पीड़ित नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, जो पानी का जो है पाइपलाइन जहाँ वो है, वहाँ से कुछ लीकेज है पता चला है, तो कल्चर के लिए हमने भेज दिया है, परसों ही भेज दिया। अभी तक क्या, फर्स्ट डे पे 34 मरीज आए थे, कल 29 आए थे, अभी तक जो है 10 कुल, उसमें अभी 7 मरीज ही भर्ती, बाकी सब वापस हो गए हैं। 70 मरीज में से आज तक तो मिला के 70 मरीज हो गए। जैसा कि मैडम का कहना है कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 17 मरीज थे उसमें जो ज़्यादातर डिस्चार्ज हो गए, लेकिन इस तरह की स्थिति सर लगातार क्यों बनती, पिछले वर्ष भी देखा गया था, इसके अलावा इस वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में लगातार ये स्थिति बन रही है सर, उसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं? इसमें क्या है, बच्चों में खास करके डायरिया होता है, विंटर डायरिया बोलते हैं, दिसंबर और जनवरी में, तो इसमें हमको विशेष सावधानी रखना रहता है, बाहरी चीज़ ना खाएं। एक तो कुछ पानी की समस्या का कारण होता है, पानी उबाल के पीने के लिए भी बोला गया था, लास्ट टाइम भी हुआ था, रस्तों के कॉलेज साइड भी हुआ था लास्ट ईयर। तो ये बेसिकली कुछ खान पान के कारण रहता है, कुछ पानी के कारण रहता है, और ये पानी का पाइपलाइन अगर हम रेगुलर चेक करवाते हैं नगर निगम के माध्यम से, और उनके पीएचई डिपार्टमेंट नगर निगम के द्वारा पानी रेगुलर चेक होता है, तो ये जहाँ जहाँ भी इस टाइप का है तो उसको हर जगह हमने किया हुआ था। दुर्ग में भी लास्ट टाइम हुआ था, वहाँ भी पूरा पाइपलाइन चेक करवाए थे, तो यहाँ भी आदेश दिया हुआ है नगर निगम के माध्यम से, पीएचई के माध्यम, जहाँ जहाँ पाइपलाइन खराब है उसको तत्काल सुधारे, और जो भी मरीज है उनको यही बोलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ उल्टी दस्त में यह होता है कि हर दस्त के बाद साबुन से हाथ धोया जाए, क्योंकि फीको ओरल रूट रहता है, क्योंकि उसी में से फिर बार बार रोटेट होता है, उसके कारण दस्त होता है। कई लोग नहीं समझ पाते, मरीज बिस्तर में भी रहते हैं और गिलास में ही रहता है, उसी में से फिर पानी पिलाते, तो उसके कारण भी होता है इन्फेक्शन, तो उस चीज़ को हमको कंट्रोल करना है। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इससे लगा हुआ एक वार्ड है, वार्ड नंबर 45 जी, बालाजी नगर है, तो सर उस वार्ड में भी लगातार गंदगी फैली और पूरा दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि हमारे द्वारा वहाँ पे खबर भी बनाई गई थी, तो सवेरे से लेकर के शाम तक सर वो उनके घर में गटर का पानी जाम रहता है, उसके निदान के लिए भी लगातार उनके द्वारा निगम कार्यालय के चक्कर काटा जा रहा है, लेकिन गंदा पानी पीने के लिए वो लोग मजबूर, तो सर भविष्य में वहाँ किस तरह की बीमारी फैल सकती है यदि इस तरह की स्थिति बनी है? अभी इसमें जहाँ जहाँ भी पाइपलाइन का कनेक्शन खराब है वहाँ पे सुधारने की बात कही गई है कमिश्नर साहब के माध्यम से, जो पीएचई डिपार्ट है नगर निगम को देखते, उन्हीं लोग पूरा पाइपलाइन कनेक्शन करवाते हैं नया, और कहीं कहीं सड़ा रहता है पाइपलाइन, अंदर गटर से होकर निकलता है, वहाँ भी नया पाइपलाइन डाला जाता है जब भी इस टाइप की स्थिति निर्मित होती है। सर, डायरिया से बचाव के लिए के हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी अगर दस्त है तत्काल नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल सुपेला, और हमारे क्लिनिक भी हर मोहल्ले में अलग अलग बन गए हमारे क्लिनिक, वहाँ तत्काल जाँच कराए और जो भी दवाई देते हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जब भी आपका दस्त हो, हर दस्त के बाद साबुन से हाथ धोए और दवाई निर्धारित टाइम पे खाएं, और ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है तो उसको भर्ती करने की भी सुविधा हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है। ये थे हमारे साथ जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे जी, जिन्होंने लगातार हमें पूरी विस्तार से हमें बताया डायरिया होने के कारणों प्लस उससे बचाव को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारियां दी। हालांकि दूषित पानी के दुष्प्रभाव की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, और हर वर्ष बालाजी नगर के अलावा अन्य दुर्ग जिले में अन्य स्थानों में ये चीज़ निर्मित देखने को मिलती है। लोग अस्पतालों में भर्ती होते उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर, हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी उनके बताए दिशा निर्देशों का यदि पालन किया जाए तो निश्चित रूप से इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन और PHC विभाग को भी की जिम्मेदारी भी है बनती है कि इस तरह की जो दूषित पानी की सप्लाई जो इधर उधर की जा रही है उस पर उसकी रोकथाम के लिए लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक सराहनीय पहल किए जाने की जरूरत, ताकि डायरिया जैसे प्रकोप से लंबे वक्त तक सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।